अपनी फेवरेट है। बुड्ढी के बाल भी कहते हैं ऐसे। हमारी भी फेवरेट है कॉटन कैंडी। खाओगी? क्यों? नींबी ने मना किया है। जब किसी की डेथ होती है तो मीठा नहीं खा सकते। मम्मा पापा की डेथ हुई है ना, तुम्हारी भी तो बेब्स थी ना वो। रूल है, जब किसी की डेथ होती है तो कैंडी नहीं खा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल मैं जानती हूँ। अरे अगर रूल है तो किसी को बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। मैं भी बड़ी हो गई। फोर यूज क्यों? फाइव यूज की होने वाली हूँ मैं। So what? अगर रूल तोड़ूंगी तो नयम भी नाराज हो जाएंगी। So what? बीजी, लाला जी और दादू भी नाराज हो जाएंगे। So what? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कैसी है ये? माता रानी क्या कहेंगी? I don't care लोग क्या कहेंगे। मुझे पता है। क्या पता? You don't care। मुझे पता है तुम हमेशा rules तोड़ती थी, इसलिए मम्मा तुम पे गुस्सा हो गई और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। किसने कहा तुमसे? सरोज मामी ने। और बेट्स? मतलब तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा? मम्मा को छोड़ो, मम्मा को तो कुछ नहीं पता था। उनको तो लगता था तुम गुड हो। पापा भी कहते थे तुम ब्रेव हो, वीर बालिका। लेकिन सरोज मामी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं सब जानती हूँ। I don't want to be like you. Arya, if you don't want to be like me, but I want to be like you. मुझे एक देना। Yummy, very delicious, हाँ? इससे अच्छी कॉटन कैंडी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। You sure तुम्हें नहीं खानी? पाप चढ़ेगा तो? कौन चढ़ाएगा पाप? माता रानी। बेब्स की माता रानी? Never. बेब्स की माता रानी मुझे कभी पाप नहीं चढ़ाएंगी। तेरे आने के बहुत पहले से ना चुटंकी, मेरी डील हो रखी माता रानी से। कैसी डील? यही कि जब तक मैं कोई गलत काम ना करूं तब तक माता रानी मुझ पे कोई पाप ना चढ़ाए, सरोज मामी की बात ना माने। लेकिन मेरी तो कोई डील नहीं हुई है। वैसे अगर तू कहे तो मैं तेरी डील करवा सकती हूँ माता रानी से। अगर माता रानी नहीं मानी तो मैं माता रानी को कह दूंगी तेरा पाप मुझे चढ़ा दे। तो क्या बोलती है? आना तो हो। तुम्हें कॉटन कैंडी बहुत पसंद है? बहुत। और तुम्हें? मम्मा मुझे दिलाती थी
डॉक्टर स्कूल से लेने आती थी। मुझे भी जब मैं छोटी थी और बेबी को स्कूल से लेने आती थी ना। तुम मम्मा को बेब्स क्यों बुलाती हो? तुम बेब्स को मम्मा क्यों बुलाती हो? मेरी मर्जी। मेरी भी मर्जी। तुम पापा को क्या बुलाती थी? हनुमान अंकल। क्योंकि वो तुम्हारे पापा नहीं थे। थे? एक वही तो पापा थे मेरे, और तो कोई था भी नहीं कभी भी। पापा तो कह रहे थे तुम ब्रेव हो, तुम तो रो रही हो। शायद मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ जितने तुम्हारे पापा कहते थे। और क्या बताया तुम्हारे पापा ने? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। ये लो जीन से पूछ लो मेरे। मुझे चावल दोगी? थैंक्स। यू आर वेलकम। तो मम्मा को छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं छोड़ के नहीं गई थी, मैं पढ़ने गई थी। पढ़ना था तो स्कूल क्यों नहीं गई? ऑस्ट्रेलिया क्यों चली गई? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? तुमने मम्मा को बहुत चाट किया था। मम्मा मिन्नी मिन्नी करके रोती थी, मैंने देखा था। मिन्नी, मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती। तुझ में जान बसती है मेरी, मेरी प्यारी गुड़िया। मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ मिन्नी। मैंने भी देखा था। कहाँ? अपने सपनों में। वो रोज मुझसे मिलने आया करती थी। झूठ। सच। ऐसा होता है यू नो, जब आप किसी को बहुत मिस करते हो ना और उसे मिल नहीं पाते हो, तो वो आपके सपनों में आते हैं। क्या ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं मुझ पे? चलो जिद नहीं करते आर्या, कुछ खा लो उठ के। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे सोना है। अरे ये कोई टाइम है सोने का? उठो। तुम जाओ यार, मुझे सोना है। तू मेनु ऐसे धक्का मारेगी, मैं तेनू छड़ के चले जाना है तेरे मम्मी पापा की तरह। हाँ आर्या, तू मेरी सोनी कुड़ी है ना, अब रानी दीदी को तंग नहीं करते। उठो उठो। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? बीजी देखो ना, ये आपकी लाडली कुड़ी कहती है मेरे को सोना है। आर्या, आर्या मेरी बच्ची अभी से सोएगी? अच्छा चलो उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। तुम
मैं सोऊंगी नहीं तो सपने कैसे आएगा? सपने में मम्मा आती है, मम्मा से पहला है। सपने मम्मा आती है मेरी आर्या की? मेरी बालिका के सपने में आती थी तो मेरे सपने में भी आएंगी, है ना बीजी? आएंगी ना वो? बोलो ना बीजी, आएंगी ना वो? आएगी ना मेरी बच्ची, लेकिन अभी नहीं, जब आप रात को सोओगे ना तब आएंगी। अगर नहीं आई तो? आएगी ना बच्चा, कैसे नहीं आएगी, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगी। लेकिन जब वो पूछेगी कि मेरी आर्या गुड गर्ल थी कि नहीं, उसने ठीक से खाना खाया कि नहीं, तो मैं क्या बताऊंगी? और अगर मम्मा को पता चला कि आर्या गुड गर्ल नहीं थी, उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, फिर कहीं आना कैंसिल ना कर देना बच्चा, है ना? कब से बोल रही रानी दी को खाना दो खाना दो, देती नहीं है। रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है, रानी दी बहुत गंदी है। मम्मा बोलेगी मैं बैड गर्ल हो गई, पर मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, रानी दी बैड गर्ल है। रानी तू ना बहुत जिद्दी हो गई, तू मेरी आर्या को खाना क्यों नहीं दे रही? अब जा, उसका मन पसंद खाना बना कर ला। जी रानी जी बहुत गंदी है, रानी जी बहुत गंदी है, उनको निकाल दो, भगा दो रानी जी को। निकाल दूंगी आर्या, निकाल दूंगी, ठीक है? आप लोग, मैं भगा दूंगी, ठीक है? माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तू कितना भी भाग ले इन यादों से, वो आकर तुझे घेर ही लेगी, तेरे वजूद का हिस्सा है वो, तू चाहे भी तो ना तू उनसे भाग सकती और ना उन्हें निकाल सकती। तो मैं भी उसके वजूद का हिस्सा थी ना, एक बार बस मुझे बोल दिया कि मैं अपने पाप की बेटी हूँ, अलग दिया मुझे अपने आप से, सब खत्म कर दिया था उसने देख में, just like this, पाप तो कभी था नहीं मेरा, माँ ने भी अपने आप से दूर कर दिया मुझे, सब खत्म कर दिया और अब कैसे चली गई, ऐसे कैसे जा सकती है, ऐसे ऐसे कैसे मर सकती हूँ वो। लेकिन मैंने भी सोच लिया था, आई विल फाइंड माय हैप्पीनेस, मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। अच्छा वो खुशी मिल गई तुझे? बीजी थक जाएगी ना आर्या, देखो ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा खा ले बच्चा, अच्छा थोड़ा सा खा ले। नहीं आर्या, देखो तुम्हारी बीजी नाराज हो जाएगी फिर। आर्या प्लीज देखो ना, खा लो ना प्लीज, थोड़ा सा खा। आर्या देखो रानी ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी है। रानी जी ने परवल की सब्जी क्यों नहीं बनाई? आर्या देखो जिद नहीं करती, जो बनाया ना वो खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। आर्या मैंने कहा था मम्मा का फोन आएगा, फिर मैं क्या कहूँ उससे, कह दूँ आर्या गुड गर्ल नहीं है? मम्मा का कहना भी नहीं माना है और उसने खाना भी नहीं खाया। आर्या देखो तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो ना, आर्या देखो। ओह माय गॉड बीजी, बीजी आओगे? बीजी बीजी आप ठीक हो? कुछ नहीं मिनी, बस थोड़ा सा पैर मुड़ के। अरे यार आप तो जाओ, आजा आजा आजा। अरे ऐसे कैसे लग गई यार, आपको दिखाओ मुझे। मिनी वो खाना भी गिर गया। अरे यार वो मैं कर लूंगी साफ, आप एक बार अपना पैर दिखाओ अच्छे से मुझे। आप ही ना यार पीछे अपना ध्यान रखा करो ना, इस एज में इतना भाग फिर रहे हो, फिर ही हो जाता है कुछ। बस एक सेकंड मुझे देखने दो। मिनी ठीक कह रही है, अरे बच्चे तो चंचल होते ही हैं। अब इस उम्र में आप कब तक उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरोगी?
मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। पविता होती तो उसे भूखा रखती क्या? नहीं ना, मिनी अब ये तेरे बूढ़े दादू बीजी के बस की बात नहीं है कि वो आर्या को संभाले। अरे छोटी सी बच्ची है, बहुत जान है उसमें, उसका बस चले तो सारा सारा दिन अंदर बाहर चक्कर कटवाती रहे इन दोनों से। अब तो मुझसे भी नहीं संभलती, बार बार मेरे जोड़ों में वो गठिया का दर्द उभर आता है। ऐसे तो आर्या मुझसे ही ज्यादा हिली मिली है, बबीता के बाद मैंने ही संभाला है उसे, लेकिन उसकी दिन भर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई तो चाहिए ना, अब उसकी माँ कहाँ से लो। आराम से, आराम से, आराम से पीछे। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ बीजी, अगर आपको ठीक लगे, मतलब आपकी निगरानी में अगर रहे तो हम कोई आया रख सकते हैं आर्या के लिए, कोई नानी कुछ जो 24/7 उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे। मैं क्या बोल रही हूँ, जो अपने इधर काम करने आती हैं, क्या नाम है इनका, रानी ना, रानी को नहीं रख सकते आर्या के लिए? नहीं मिनी, मेरे दिमाग में उसका ख्याल आया था, लेकिन वो क्या है ना कि रानी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं और सास ससुर ननद वाला घर है, उसको फुर्सत कहाँ। हमें तो कोई ऐसी चाहिए जिसका आगा पीछा कुछ ना हो, जो बस यही रहे 24 घंटे। तो फिर ढूंढ लेते ना दादी अम्मा, एंड आई एम श्योर नीडी लोगों की तो कमी है नहीं, उसे भी नौकरी मिल जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। आप बोलो तो एड निकलवा लूं न्यूज़पेपर में, या फिर लाला अंकल को बोल देती हूँ, ऐसा कुछ कर लेता ना, मतलब 3-4 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोई अरेंज हो जाए तो। 3-4 दिन? लेकिन मिनी तू कब तक यहाँ रहेगी? आई मीन कमीरा इज वेरी हाइपर, यू नो अभी तक वो कितने सारे मेल्स भेज चुकी है, बार बार पूछ रही है तेरे बारे में कि तुम सब कब वापस आने वाले हो, और मैं उसे क्या बोलूं, मैंने उसे अब तक तेरे पेरेंट्स के बारे में भी नहीं बताया, आई थॉट तू उसे बताएगी। हाँ नहीं मैं बताऊंगी उसे ऑब्वियसली, बट देखना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ, अभी देर भी नहीं हुई है, प्लस एक बार सब कुछ सॉर्ट आउट करके अरेंज करके वापस आती हूँ मैं, या आया का भी देखना है, तो मैं मेल कर दूंगी कमीलिया को, आई टेल हर अबाउट इट, प्लस कुछ दिनों की और लीव्स ले लूंगी, तो चलेगा ना, शी बी ऑल राइट ना? इट्स कम्प्लीटली फाइन मिनी, तू बस कमीलिया को एक मेल भेज दे। लेकिन मिनी अब मैं नहीं रुक पाऊंगी, आई वॉन्ट टू स्टे, बट यू नो दीज फिरंगीज ना, दिल नेवर अंडरस्टैंड कि ऐसे वक्त में दोस्तों की कितनी जरूरत पड़ती है। इट्स ओके आर्जेस, आई अंडरस्टैंड तेरा काम भी सफर हो रहा है, और है दोस्त तो है ना मेरे पास, प्रीत है, बॉबी है, सब लोग हैं, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी, और मैं भी बस आती होंगी तेरे पीछे पीछे, बस कुछ दिन की लीव लेकर सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर ठीक है। मैं कमीलिया को मेल कर दूं याद से, वरना वापस मेरे दिमाग से निकल जाएगा। डियर कमीलिया, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 2 days ago ओन टू प्रेसिंग एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स to settle some household and legal issues. I request you to grant me a leave for a week.
भेज दिया मेल, एक हफ्ते की छुट्टी मांगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.